हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। हम लोग कर रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर यूनिट वाइज टेस्ट। सेकंड यूनिट के अंदर हम लोगों ने एक टेस्ट जो है वो कर लिया था, उसी टॉपिक का, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की विभिन्नता। उससे संबंधित मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन का टेस्ट हम दोबारा से फिर करेंगे ताकि और भी डाउट क्लियर हो जाए। इसके अलावा यहाँ से कोई भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को यदि आप रिवाइज करते हैं तब भी आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मन में कौन से भागों में संतुलन की आवश्यकता होती है? मन के कौन से भाग में संतुलन की आवश्यकता होती है? इदम एवं परा अहम, इदम तथा अहम, इदम तथा चेतन, या परा अहम एवं अर्धचेतन। बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सा भाग है जिसको जरूरत है संतुलन की। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, संतुलन की आवश्यकता जो है वो इड और सुपर ईगो को है, क्योंकि जो ईगो है, अहम है, उसका तो कार्य ही है समायोजन स्थापित करना, ठीक है। वो तो खुद समायोजन स्थापित कर लेता है, लेकिन संतुलन की आवश्यकता जो है वो इन दोनों को है। तो वीडियो के एंड से पहले ही मैं आपको इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इनमें जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर कर दूंगी। लास्ट तक वीडियो आप देखिएगा और क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप सही लगाइएगा। चलिए, यदि व्यक्ति के मन में इदम, अहम, परा अहम कार्य करना बंद कर दें तो क्या होगा? व्यक्ति मर जाएगा, पागल हो जाएगा, शरीर का संतुलन ही बिगड़ जाएगा या गलत काम करेगा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ये होगा कि शरीर का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, मन का वह कौन सा भाग इदम व परा अहम में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है? तो बहुत अच्छे से सभी को पता है, इदम, अहम, परा अहम या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, जिसमें कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। देखिए, इड, ईगो, सुपर ईगो, इन्हीं को इदम, अहम और परा अहम कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, संतुलन स्थापित करने का कार्य कौन करता है? अहम करता है। और जरूरत किसको है संतुलन की? इदम को भी है और परा अहम को भी है। पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं, सीखने की धीमी गति होती है, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है या उपरोक्त सभी। एक जो पिछड़ा बालक होता है, जो कि सामान्य बालकों की अपेक्षा पिछड़ा होता है, वह नॉर्मल कार्य नहीं करता है, इसका उसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी? क्या उसके सीखने की गति धीमी होगी, जीवन में निराशा का अनुभव होगा, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति उसमें पाई जाएगी या उपरोक्त सभी? अब देखिए, इसका सही आंसर जो है वो यही होगा कि पिछड़े बालक की विशेषता है सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन 5 है, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बाल अपराध विज्ञान का जनक जो है वो किसे माना जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीजर, लैम्ब्रोसो, स्कीनर, वुडवर्थ या फ्रायड। तो जिसको पता है उसको पता है, और जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखिए। तो आंसर क्या होगा? सीजर, लॉम्ब्रोसो। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्ट बालक का अर्थ है सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक या समस्यात्मक बालक। तो विशिष्ट बालक कौन होता है? सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला होता है, मंद बुद्धि बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है या समस्यात्मक बालक होता है। तो आप लोगों ने टर्मन का बुद्धि लब्धि सिद्धांत जो है वो देखा, तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि विशिष्ट बालक कौन कहलाता है। तो यहाँ पर जो आंसर ये होगा, देखिए यहाँ पर, कि वह सभी बालक जो कि सामान्य बालकों की अपेक्षा कम और अधिक गुण वाले हैं, तो वो सभी विशिष्ट बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन में ऋणात्मकता अधिक होती है, सामान्य से बुरा होता है, सामान्य होता है या श्रेष्ठ होता है।
प्रतिभाशाली बालकों का जो समायोजन होता है वो कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है, सामान्य होता है, सामान्य से बुरा होता है या ऋणात्मकता अधिक होती है? तो बिल्कुल 2 या 3 सेकंड में ही आंसर आ जाना चाहिए। और आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन जो है वो श्रेष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नजर के छात्रों को कहाँ बैठाना चाहिए? आगे की पंक्ति में, बीच की पंक्ति में, पीछे की पंक्ति में या अलग पंक्ति में? तो कक्षा में जो बच्चे ऊंचा सुनते हो, जिन्हें कम दिखाई देता हो, उन बच्चों को कहाँ बिठाएंगे? बिल्कुल कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए उनको कहाँ बिठाएंगे? हम आगे की पंक्ति में बिठाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा बाल अपराध है? यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान या उपरोक्त सभी? तो इनमें से बाल अपराध की श्रेणी में कौन कौन से अपराध आते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर यही होगा कि बाल अपराध में यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में अध्यापक द्वारा विपुल से प्रश्न पूछने पर वह तुरंत जवाब देता है, बालक मन की कौन सी अवस्था है? तो यह मन की कौन सी अवस्था कहलाएगी जो फ्राइड ने दी? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन या इनमें से कोई नहीं? तो विपुल से अध्यापक ने प्रश्न पूछा, उसने तुरंत जवाब दे दिया, तो यह मन की कौन सी अवस्था कहलाएगी? तो बिल्कुल सभी का ही आंसर इसमें सही आ रहा है। आंसर है चेतन मन। चेतन मन क्या होता है कि जो वास्तविकता से जुड़ा होता है, जो भी हम सोच रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, जो भी कार्य चल रहा होता है वह चेतन मन का भाग होता है। और जिन चीजों को हम याद करके, जैसे कि एग्जाम टाइम में आप लोग क्वेश्चन का आंसर याद करते हो, तो वो अर्धचेतन मन का भाग होता है। और कुछ बातें जो कि हमारे बिल्कुल अचेतन मन में चली जाती हैं, जो कि हमें याद करने पर भी याद नहीं आती हैं, वो होती हैं अचेतन मन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11। बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है, तो ये कथन किसका है? गुडविल का, स्किनर का, वैलेंटाइन का या गुड का? बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। तो जिसको डेफिनेशन याद है उन्होंने लगा भी लिया होगा, और जिनको याद नहीं है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग अब याद कर लें कि ये जो परिभाषा है ये दी है स्किनर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो हमने लास्ट वीडियो जब टेस्ट लिया था, याद होगा आपको, कैटल व ऑलपोर्ट ने, ऑलपोर्ट ने, गैरिट ने या जुंग ने? तो किसने व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किया? तो आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से आंसर लगाना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ आंसर बिल्कुल यही होगा, कैटल और ऑलपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या उपरोक्त सभी? तो एक प्रतिभाशाली बालक, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है प्रतिभाशाली की विशेषताओं के अंतर्गत। क्वेश्चन 14 देखिए, व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक पुरानी विधि कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि, बुद्धि परीक्षण विधि, ज्योतिष विधि या परीक्षा? तो पर्सनैलिटी के मापन के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी होगी? मनोवैज्ञानिक विधि, बुद्धि परीक्षण विधि, ज्योतिष विधि या परीक्षा विधि? तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक विधि होगा क्या? बिल्कुल, ये तो आधुनिक विधि है। जहां बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं ये भी आधुनिक विधि है। इससे भी पुरानी जो विधि है वो है ज्योतिष विधि। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया? संचय प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति? तो बिल्कुल यहां पर सही आंसर जो है वो यही है, काम प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक द्वारा अमन से प्रश्न पूछने पर वह चौंक कर कहता है, क्या सर, बालक मन की किस अवस्था में है?
चेतन, अचेतन, अर्धचेतन या उपरोक्त सभी। तो पहले प्रश्न क्या था, जैसे ही अध्यापक ने प्रश्न पूछा विपुल ने तुरंत उत्तर दे दिया, लेकिन यहाँ पर टीचर ने क्या किया, अमन से प्रश्न पूछा तो उसने उसका उत्तर न देकर चौंक कर कहा, क्या सर, तो यह कौन सी अवस्था में आएगा? तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा अचेतन, क्योंकि उसे उस प्रश्न का आंसर नहीं आता है, इसीलिए उसने चौंक कर कहा क्या सर। यदि उसे आंसर आता तो यह जाता चेतन मन में, यदि वह सोच कर बताता तो वह जाता अर्धचेतन मन में, लेकिन उसे तो पता ही नहीं है तो यह जाएगा अचेतन में। बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है, मनोविश्लेषण विधि, मनोअभिनय विधि, कारावास विधि या अधिगम विधि। तो बाल अपराध के उपचार की विधियां कौन कौन सी हैं? एक में वो विधि नहीं है तो वही आपका उत्तर है। यहां जो सही आंसर रहेगा वो बिल्कुल रहेगा कारावास। कारावास जो है वो बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है, जबकि मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोअभिनय विधि और अधिगम यानी सिखाना, तो ये सभी बाल अपराध के उपचार की विधियां हैं। निम्न में से मन का कौन सा भाग फ्रायड ने बताया है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन और उपरोक्त सभी। तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में आपको पता लग ही गया है कि फ्रायड ने मन के तीन भाग बताए हैं, और वो क्या बताए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो सभी मन के भाग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, मन का वह भाग जो आदर्श एवं नैतिकता का सूचक है, चेतन, परा अहम, इदम या अहम। यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात हो रही है, जो कि आदर्श और नैतिकता का सूचक है मन का वह भाग, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं लेवल थोड़ा सा और भी अच्छा लेके आइए, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, देखिए टॉपिक वही रहता है, क्वेश्चन भी वही रहते हैं, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से आ जाते हैं कि वह हार्ड लगने लगता है, तो चैप्टर भी वही रहेगा, इससे ज्यादा हार्ड आपके लिए क्या होगा। तो अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, यहां होगा परा अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मन का कौन सा भाग समायोजन करने का कार्य करता है, इदम, अहम, परा अहम या उपरोक्त सभी। तो आप लोगों ने लगा लिया सही आंसर क्या है, अहम। एक बालक किसी लड़की को देख विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, तो वह कौन सी अवस्था है, इदम की, अहम की, अर्धचेतन की या अचेतन की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अर्धचेतन, क्योंकि उसे याद आ रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। अब देखिए कुछ बच्चों को इड, ईगो और सुपर ईगो और चेतन, अचेतन और अर्धचेतन ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सभी एक साथ कैसे चल रहे हैं। देखो सबसे पहले ध्यान रखो कि सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, उन्होंने मन का गतिशील पक्ष बताया, ठीक है, और मन का स्थलाकृति पक्ष बताया, जिसमें मन का जो स्थलाकृति पक्ष है उसमें उन्होंने मन के तीन भाग बताए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है, किसमें बताए, मन के स्थलाकृति पक्ष में। वही मन के जो गतिशील पक्ष है उसमें भी तीन बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो, जिसे हम इदम, अहम और परा अहम कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि मन का गतिशील पक्ष जो है वो है इड, ईगो, सुपर ईगो, और मन का जो स्थलाकृति पक्ष है वो क्या है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। नेक्स्ट देखिए, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि या केस स्टडी। तो एक बालक जो है वो बार बार स्कूल से भाग रहा है, तो बालक के अध्ययन के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी विधि वो कौन सी होगी, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि या केस स्टडी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो सबका ही सही होगा कि केस स्टडी, ठीक है, व्यक्ति के बारे में जाना जाएगा कि वह स्कूल से बार बार क्यों भाग रहा है।
ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा छात्रों को परेशान करना है, वे हैं मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक या समस्यात्मक बालक। तो कुछ बालक कक्षा में होते हैं जो कि टीचर को भी परेशान करते हैं और साथ में अपने साथियों को भी, तो वो किस में आएगा? तो बिल्कुल वो मंदबुद्धि बालक तो नहीं होगा और ना ही इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली बालक होगा, ठीक है, तो वो होगा समस्यात्मक बालक, क्योंकि वो समस्या उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण जो है वो होता है, यह कथन किसका है? फ्रेडसन का, चार्नलॉके का, शोनेल का या अरस्तु का? बहुत ही फेमस लाइन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा अरस्तु का। चलिए, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन किसका है? ये तो कोई नहीं भूल सकता कि ये कथन किसका है, वैलेंटाइन का, मिरो का, कांट का या हर्बर्ट का? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये किसने कहा? तो ये सभी का सही है और सभी जानते हैं कि ये लाइन किसकी है। बिल्कुल सही आंसर है वैलेंटाइन। ठीक है, तो आज हमने 25 प्रश्न जो है वो कर लिए हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने 25 ही किए थे, तो कुल इस टॉपिक में से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की विभिन्नता 50 क्वेश्चन है, इनको ही आप बार बार रिवाइज करेंगे, यहीं से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से प्रैक्टिस होती रहेगी। अब यूनिट सेकंड के अंदर ही नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो होगा बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।